नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 BS6 की। मैं बात करता हूँ, जैसे कि अभी तक हाल फिलहाल में ये जो बाइक है कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है। अभी हाल फिलहाल में जैसे देखा जाएगा तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इमेजेस जो है वो लीक हुई हैं। अगर देखा जाए तो यार ये बाइक जो है पर्सनली मुझे तो लुक वाइज बहुत ज़्यादा इस बार पसंद आई है। जैसे कि इस बार क्या आप लोग देख रहे होंगे कि रॉयल फील्ड क्या अपने बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहा है गाड़ियों में, इन बाइक्स में बहुत ज़्यादा अपडेट करा। जैसे कि अभी आप लोगों ने मेट्रियोर भी देखी थी, मेट्रियोर भी एक नंबर की अलग लेवल की बाइक लगी, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बात करते हैं आप इसी बाइक के बारे में कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ तक अभी हमें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर आएंगी। ऑलमोस्ट अभी तक मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को वो 90% ऑलमोस्ट सही मैं बता रहा हूँ, बाकी 10% जो है वो अनुमान या अंदाज़ा आप लगा कर भी चल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे तो इस बाइक के बारे में, तो देखो अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। इस बाइक में एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसका अगर बात करी जाए जैसे आप लोगों ने एवेंजर का मीटर कंसोल देखा है, सेम आपको कुछ वैसे टाइप का मिलेगा। लेकिन जैसे आपने उसका देखा गोल है वैसे उसमें क्या है, इस वाले में क्या है, थोड़ा सा आपको जो मीटर होगा वो डिजिटल मीटर थोड़ा सा नीचे की साइड में बड़ा सा मिलता हुआ दिखाई देगा, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, जहाँ पे वो नीचे मीटर का एंड होता है वहाँ पे आपको डिजिटल मीटर मिलेगा। ये चीज़ मुझे पर्सनली इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आगे से एक अलग ही लेवल का लुक आएगा इस बाइक में। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो ये जो बाइक है, इस बाइक के जो अभी तक इमेजेस लीक हुए हैं उसके अंदर ये जो बाइक है ये आपको फुल ब्लैक कलर में लीक हुई है। वैसे तो कलर कॉम्बिनेशन बाद में आते रहेंगे लेकिन इसके अंदर अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर आपको ब्लैक कलर में ये जो बाइक है आपको अवेलेबल होगी। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इसके अंदर आपको जो मतलब मेन सीट है, स्प्लिट सीट तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीट को जैसे आपने देखा हो क्लासिक में डिवाइड कर रखा है वैसे टाइप का इसमें डिवाइड कर रखा है इसके अंदर। और कंफर्टेबल फ्रंट जो मतलब जो इस बाइक को राइड करेगा उसके लिए बहुत अच्छा है, जिस टाइप से हल्का सा इसमें कर्व दे रखा है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया भी है। और जो पिलियन की जो सीट है वो इसकी नॉर्मली जैसे आप क्लासिक 350 में देखते हो सेम वैसी टाइप की इसके अंदर आपको सीट का वो मिलेगा। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो जहाँ तक अभी तक इसके हैं कि कंपनी इस बार इसके अंदर सैडल जो आप देखते होंगे सैडल बैग्स की तरह, जैसे अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे सैडल डिग्गीज होती है वो सब भी आपको प्रोवाइड करके देगी इस बार कंपनी को है। ये चीज़ मुझे इस बाइक में बहुत ज़्यादा पसंद आई, रियलिटी में बोलूँ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बैक रेस्ट आपको इस बाइक में मिल जाएगा और इंजन जो आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा वो आपको सेम ग्रे कलर जो नॉर्मल ग्रे कलर का ही यूज़ होता है कंपनी मैट ब्लैक में जो यूज़ करती है सेम वही उसी कलर में आपको जो इंजन है वो मिलेगा। अब बात कर ले तो इस बाइक के अंदर थोड़ा सा मतलब मेन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों बात कर लिया तो इस बाइक के बारे में, तो इसके अंदर अगर देखा जाए इंडिकेटर के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएंगे और टेल लाइट आपको इस बाइक के अंदर फुली LED टेल लाइट इस बाइक में मिल जाएगी। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको डिस्क के अंदर जो मिलेंगे डिस्क ब्रेक वो आपको 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 270 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। पैटल डिस्क ब्रेक नहीं है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक जो नॉर्मल आ रहे हैं सेम वही डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर आ रहे हैं। टेल लाइट आपको फुल LED मिल जाएगी और वहीं पे इसके अंदर आपको 15 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। इस बाइक में 15 लीटर का पेट्रोल टैंक बस बढ़िया एक नंबर का इसका पेट्रोल टैंक है जो कि काफ़ी बढ़िया है। बात करिए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर अराउंड 180 समथिंग आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, 170 से लेकर 180 की तक के बीच में आपको इस बाइक के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी जो नेक्स्ट लेवल की ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की होने वाली है। अलॉय व्हील आपको इस बाइक में मिल जाएंगे और वहीं पे साथ के साथ में ट्यूबलेस टायर भी आपको दोस्तों इस बाइक में मिल जाएंगे, लेकिन अलॉय व्हील के अंदर जो कलर मिलेगा वो आपको मैट ब्लैक में कलर मिलेगा। अगर मैट लवर हो मैट कलर के लवर हो तो भाई तुम लोगों के लिए बेस्ट है, पर्सनली मैं अपना बात को भाई मैं तो शाइनिंग में करवा दूंगा। बात करिए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट व्हील साइज मिलेगा वो मिलेगा 482.6 mm का फ्रंट व्हील साइज होगा और जो रियल व्हील साइज होगा वो मिलेगा 431.8 mm का रियल व्हील साइज आपको इस बाइक में मिल जाएगा। टायर साइज की बात कर जाओ तो दोस्तों इसके अंदर आपको 100x90 का फ्रंट टायर मिलेगा और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 140x70 का रियल टायर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा जो कि बहुत कंफर्टेबल है। टायर साइज के अंदर आप लोगों को पता है इन बाइक इस रॉयल फील्ड के अंदर, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आप सैडल बैग लगा के मतलब फुल बाइक को लोडेड करके चल रहे हो तो भाई ये बाइक आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोवाइड करती है, एकदम मतलब कंफर्टेबल आपको खुद ही वो चीज़ लगेगा कि हाँ यार बाइक में कुछ है। फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर 19 inches का अलॉय व्हील मिलेंगे और रियल में आपको 17 inches का अलॉय व्हील इस बाइक में मिल जाएंगे। बात करी जाए तो दोस्तों सस्पेंशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन मिलेंगे जो कि इन बाइक्स के लिए भाई बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा है USD चाहिए, इन बाइक्स के लिए यही बेस्ट है।
41 mm के फोक के आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, और रियल में आपको इसके अंदर ट्विन ट्यूब शॉकर एब्जॉर्बर मिल जाएंगे जिसको आप 6 बार अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकते हो। सिस्टम एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। डुअल डिस्क के अंदर आपको ये बाइक मिलेगी। कोई भी आप ये मत सोचना कि रियल में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डुअल डिस्क में ही आपको ये जो बाइक है वो प्रोवाइड होगी। अब कर लेता बात थोड़ी सी इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो इंजन देखा सेम वही इंजन मिलने वाला है जो मेट्रियोर के अंदर आने वाला है। क्लासिक के अंदर नहीं, जो मेट्रियोर के अंदर इंजन आ रहा है सेम वही इंजन आपको इस बाइक में मिलेगा। तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4-स्ट्रोक BS6 FI विद कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ आपको इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 20.4 PS एट द रेट 6100 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 27 Nm एट द रेट 4000 RPM पर। BS6 का आपको ये जो बाइक है वो इंजन निकाल लिया जाएगी, सिंगल सिलेंडर की बाइक मिल जाएगी, चैन ड्राइव आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। पेट्रोल आप इस बाइक में कोई भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप इस बाइक को सिटी राइड के लिए ले रहे हो तो स्पीड का पेट्रोल लो, अदरवाइज आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल लो, क्योंकि ये जो बाइक है देखो सिटी राइड बहुत कम ही लोग यूज़ करेंगे, यूज़ करने वाला इसको लॉन्ग राइड पर यूज़ करेगा। EFI आपको इसके अंदर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो कि इसको बहुत टाइम से पहले से ही रॉयल एनफील्ड जो है वो इसका यूज़ कर रहा है। बाइक का जहाँ तक दोस्तों अभी तक ऑन रोड प्राइस जहाँ तक निकल के आ रहा है, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ, तो जहाँ तक है इसका जो ऑन रोड प्राइस जहाँ तक निकल सॉरी शोरूम प्राइस जो निकल के आ रहा है, ऑन रोड भी बताऊँगा मैं, तो 1,93,656 rupees का आपका एक्स शोरूम प्राइस है। RTO जाएगा वो आएगा 19,665 rupees का। इंश्योरेंस जो होगा वो होगा 10,900 rupees का, और अदर जो वही जो भी टैक्सेस जाएंगे वो जाएंगे 7,099 rupees के। और ऑन रोड ये जो बाइक जा सकती है वो जाएगी 2,31,000 समथिंग के आसपास की जो बाइक है ऑन रोड जाएगी, जो कि है ये इस बाइक का टॉप वेरिएंट। इस बाइक के अंदर बेनिफिट आपको अगर मैं बताऊँ रियलिटी में इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। सैडल बैग्स का भी शायद मेरे हिसाब से इसके अंदर ऑप्शन मिल रहा है अगर इस बार कंपनी ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी, क्योंकि आप लोग देख दोगे कि लोग बाइक परचेज करते फिर अलग अलग जगह से लगवाते हैं, ये करवाते हैं, मतलब कंपनियाँ इन चीज़ों को सोच समझ के ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। और ये चीज़ पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे अंदर आपको कैरियर भी मिल जाएगा जैसे पहले की बुलेट में आती थी। अगर मैं 70s या 60s 70s की बात 70s 80s की बात करूँ तो जब वो बुलेट्स आती थी तो वही वाला सीन, सारी चीज़ें इसके अंदर हमें ये चीज़ मिलेंगे। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बाइक ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। देखो हैंडलिंग तो इस बाइक की अच्छी रहती है, और दूसरा ये है कि इस बाइक का सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, और दूसरा मीटर कंट्रोल, मतलब अगर देखा जाए क्लासिक वाला पहले ही हिसाब वाला सीन था, लेकिन इस बार अब जो कंपनी गाड़ी के अंदर अपडेट कर रही है ना यार, वो चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इस बार तो रियलिटी में बोलो मुझे नेक्स्ट लेवल में ही पसंद आ रही है। और अभी तक देखा जाए तो यार इसके अंदर जो फ्रंट विंडस्क्रीन है, विंडस्क्रीन वो देखा जाए तो, अगर मैं देखो तुम लोगों को यार देखो वीडियो तो प्रोवाइड हो नहीं पाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो थंडरबर्ड के अंदर फ्रंट में विंडस्क्रीन आती थी ना, सेम वैसी ही टाइप के आपको इसके अंदर विंडस्क्रीन मिल जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया होने वाली है। और वहीं पर साड़ी गार्ड जो है वो दोनों साइड आपको इस बार प्रोवाइड होगा, तो एक एपिलियन, मतलब ये चीज़ भी काफ़ी सही है, दोनों तरफ हो जाने से मतलब बाइक के अंदर सेफ्टी बढ़ जाती है। ये चीज़ तो कह रहा है कि सेफ्टी के मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं आती। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना होगा लिंक मिलेगा, सब्सक्राइब करो, कॉल चैनल है राहुल वॉक करके उसको जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय।